गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला वालधुरकर, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल से। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला वालधुरकर, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल से। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 6 जैव प्रक्रम के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको स्लाइड में कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला चित्र है, सब्जियां दिख रही हैं, इनमें टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, धनिया और ये प्याज, फूल गोभी आदि। दूसरे चित्र में कुछ दालें दिखाई दे रही हैं, मूंग दाल, चना दाल, चने भी दिख रहे हैं आपको। और तीसरा चित्र है जिसमें फल दिखाई दे रहे हैं, अंगूर, केला, पपीता, अनानास आदि। नीचे के जो चित्र हैं, इनमें पहला चित्र में थाली दिखाई दे रही है परोसी हुई, है ना, और दूसरा जो चित्र है उसमें बर्गर, फ्रेंच फ्राइज दिख रहे हैं, और तीसरे चित्र में मिठाइयां दिख रही हैं, जलेबी है, बर्फी। इनको देखकर आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया ना? तो आज हम पोषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले जो तीन चित्र हैं, ये पादप निर्मित हैं, तथा जो नीचे के जो तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं वो हम कह सकते हैं मानव निर्मित हैं, क्योंकि गेहूं, चावल ये पौधे बनाते हैं, है ना, अन्न जो है, और हम उससे गेहूं को पीस कर फिर हम रोटी बनाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो नीचे के चित्र हैं वो मानव निर्मित हैं। तो आइए हम जैव प्रक्रम के भाग एक पोषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समीकरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर है, हरे पौधे क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एवं ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। समीकरण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल, ये चार जो है ये मुख्य कच्चे पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ जो हैं वो ये चार हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड और के 6 अणु दिखाई दे रहे हैं, और जल के 12 अणु। ये क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम भोजन कह रहे हैं, ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H12O6 जो दिखाया जा रहा है वो सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते दिखाई दे रहे हैं और 6 अणु जल बन रहा है, ठीक है। अब चित्र में आते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है हरे रंग का पौधा है, पत्तियों में हरा रंग दिख रहा है, यानी हरित लवक उपस्थित है, सूर्य प्रकाश या सौर ऊर्जा मिल रही है, वायुमंडल से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है, और पानी जो है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर रहा है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती दिखाई जा रही है और भोजन जो है वो पत्तियों में इसका निर्माण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है, पर उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। यह केवल और केवल हरे पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस दी जा रही है। इसका मतलब है गैसों का संतुलन में भी यह क्रिया महत्वपूर्ण है ना। और क्योंकि प्राण वायु हमें पौधों के द्वारा ही प्राप्त हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का भी जो साधन है वो हमारे लिए हरे पौधे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग ये सब होने लगता है ना। अतः मैं आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप अपने जन्म दिवस पर जैसे भगवान को याद करते हैं, वैसे ही उसी दिन एक पौधा है ना, और अपने परिवार के भी प्रत्येक सदस्य के जन्म दिवस पर एक पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में मदद करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, विषम पोषी पोषण क्या होता है? इसके प्रकार लिखिए। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाती है। विषम पोषी पोषण तीन प्रकार का होता है, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में ये जो जीव होते हैं वो पाचन की क्रिया इनके शरीर के बाहर होती है, ये कुछ पाचक रस निर्मित करके उन सड़े गले पदार्थों पर देते हैं जिससे कि उनका पाचन होता है और फिर पचा हुआ जो भोजन है ये अवशोषित करते हैं। उदाहरण है कवक, फफूंद, यीस्ट आदि। परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवित पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ये पचा हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करते, ये पौधों ने और जंतुओं ने जो भोजन बनाया है, पचाया है, उससे पचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। ये उन्हें बिना मारे है ना जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण है अमरबेल। आपने देखा होगा कि अमरबेल जो पीले रंग की बेल होती है जो पौधों के ऊपर लिपटी हुई रहती है, वह उस पौधे से, जिस पौधे पे लिपटी हुई रहती है उस पौधे से ये पोषण प्राप्त करती है, चूसती है उसके द्वारा पचाया हुआ भोजन है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है सिर में बालों में जुएं पाई जाती हैं जो हमारे खून को चूसती हैं है ना, तो पचा हुआ जो भोजन है ना वो रक्त के माध्यम से उनके पास जाता है। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। प्राणी संभोजी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण है अमीबा और मनुष्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, अमीबा में पोषण समझाइए। अमीबा एक कोशीय जीव है, इसमें प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चित्र में अमीबा दिखाया जा रहा है और उसके पास ही शरीर की सतह के पास खाद्य कण है। यह अमीबा क्या करता है, जैसे ही भोजन के कण उसके कोशिकीय सतह के पास आते हैं इनमें अस्थायी प्रवर्ध बन जाते हैं जिन्हें पादाभिकूढ़पात दिखाया जा रहा है। यह प्रवर्ध उस भोज्य पदार्थ को, कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है और वे जो पदार्थ हैं कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और पचा हुआ जो
बचा हुआ जो अपच पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर गति करके शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार है, मानव के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल यह पूछा जा रहा है। तो चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मानव का पाचन तंत्र है उसमें आहार नली है जो मुख गुहा से शुरू होती है और नीचे गुदा द्वार तक होती है। तो ये एक लंबी नली है जिसमें सबसे पहले पहला भाग है जो मुख गुहा है। इस मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, है ना। दांत भोजन को चबाने, काटने, पीसने का काम करते हैं। जीभ जो है वो स्वाद लेने का काम और भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। ये जो लार ग्रंथियां हैं उनमें से एक रस निकलता है जिसे हम लार कहते हैं। इस लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में आए हुए वसा को ग्लूकोज में स्टार्च को वसा को नहीं बेटा स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और इसलिए जितना ज्यादा भोजन चबाया जाता है उतना ज्यादा वो मीठा लगता है। यह भोजन मुख गुहा से जो है वो नीचे आमाशय तक ग्रसी का एक नली है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, है ना, उससे वो आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में जठर रस बनता है और ये जठर रस भोजन के पाचन में, है ना। जठर रस में HCl अम्ल होता है और पेप्सिन नाम का एंजाइम और म्यूकस होता है जो भोजन पे कार्य करते हैं। यहाँ पर भोजन आमाशय से आगे बढ़ता है, छोटी आंत शुरू होती है वहां पर। छोटी आंत एक बहुत लंबी नलिकाकार भाग होता है जो जिसका जो डायमीटर वो कम होता है पर वो लंबी होती है। डायमीटर कम होने के कारण हम इसे छोटी आंत कहते हैं। यह तीन भागों में बटी होती है। इसका प्रथम भाग जो है वो ग्रहणी कहलाता है जहां पर अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस और पित्ताशय से पित्त रस मिलते हैं। भोजन आगे बढ़ता है, यहाँ भोजन का ग्रहणी में जो अग्न्याशयी रस और पित्तरस मिलता है वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन आगे बढ़ता है, छोटी आंत का जो बीच का भाग है और पश्च भाग है वहां पर भोजन जो है वो अवशोषण का काम वहां पर होता है। यहाँ छोटी आंत के भीतरी भाग में विलाई नाम की रचनाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं। अब भोजन बड़ी आंत अपचा भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाता है और यहाँ पर भोजन जो अपचा भोजन आगे बढ़ता है, अतिरिक्त जल अवशोषित कर लिया जाता है और अपचा भोजन ये बृहदान्त्र के जो अंतिम भाग है जिसे मलाशय कहते हैं में एकत्रित होता है। अपचा भोजन जहाँ से उसे समय समय पर शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। पर ये जो आहार नली है, जो पाचन तंत्र है, इसके चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है जो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक नली के रूप में है और इस नली में लगातार क्रमाकुंचन की गति होती रहती है जिससे भोजन आगे आगे बढ़ता जाता है। तो फिर से एक बार, मुख गुहा, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत के पहले भाग में देखिए अग्न्याशय है, फिर पित्ताशय है, यकृत बना हुआ उसके अंदर पित्ताशय दिख रहा है और फिर ये छोटी आंत आगे कुंडलित नलिका के रूप में है जो फिर बड़ी आंत में खुल रही है और बड़ी आंत फिर मलाशय में और फिर गुदा द्वार से बाहर खत्म हो रही है। इस प्रकार जो भोजन है वो मुख गुहा से होते हुए गुदा द्वार तक जाता है, ठीक है ना। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसका अच्छे से अभ्यास आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांच है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
लार भोजन को गीला एवं चिकना करती है, जिससे भोजन को चबाने तथा निगलने में आसानी होती है। लार में एक एंजाइम लार एमाइलेज पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल शर्करा में ग्लूकोज में खंडित कर देता है। इस प्रकार लार जो है वो भोजन को गीला चिकना करने में मदद करती है, जिससे चबाने और निगलने में आसानी होती है। और लार एमाइलेज जो लार में उपस्थित होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम क्रियाशील होकर प्रोटीन पाचन का कार्य करता है। यह अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। इस प्रकार आमाशय अम्ल में ये दो कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7 है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य। एंजाइम जो है वो कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। लार एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जठर रस में होता है, जो प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में करता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो अग्न्याशय जठर रस अग्न्याशय रस में पाया जाता है, जो वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। इस प्रकार ये पाचक एंजाइम जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करके पाचन की क्रिया को सुगम बनाते हैं। प्रश्न 8 है, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत की भीतरी सतह या आंतरिक स्तर पर असंख्य अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम या विलाई कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। चित्र में छोटी आंत का TS ट्रांसवर्स सेक्शन और LS लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया जा रहा है। TS सेक्शन में देखिए कि जो भीतरी सतह है वो कई अंगुली जैसे प्रवर्ध जिसमें निकले हैं, जिससे अवशोषण की सतह क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये इस तरह से LS में दिख रहा है आपको कि अंगुली नुमा रचनाएं हैं। इन अंगुली नुमा रचनाओं में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, ठीक है, जो बचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार क्षुद्रांत्र जो है को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत्र या छोटी आंत के पहले भाग जिसे ग्रहणी कहते हैं में होता है। जठर में जठर लाइपेज जो जठर से निकलता है भोजन में उपस्थित वसा को आंशिक रूप से तोड़ता है। इसके बाद जो है भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के पहले भाग जिसे ग्रहणी कहते हैं में यकृत से पित्तरस तथा अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस प्राप्त होता है। यकृत द्वारा श्रावित पित्त रस भोजन में उपस्थित वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। और अग्न्याशय रस जिसमें लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है, यह लाइपेज इमल्सीफाइड वसा को या इमल्सीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में
परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन जो है वो छोटी आंत के प्रथम भाग जिसे ग्रहणी कहते हैं में पूर्ण हो जाता है। प्रश्न 10 है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पहला तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो चार विकल्प वाले आते हैं, खाली स्थान आते हैं, जोड़ी जमाव आता है या एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दो आते हैं, है ना। तो हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं यहाँ पे। पहला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। विकल्प पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। हमने पढ़ा है कि जो स्वपोषी पोषण है अर्थात वह पोषण जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी जो सूर्य का प्रकाश है, हरित लवक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये चारों ही आवश्यक हैं। इनमें से किसी एक की भी यदि कमी होती है तो यह क्रिया नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी आवश्यक हैं। दूसरा है परजीवी पोषण पाया जाता है। विकल्प है मनुष्य, गाय, हरे पौधे और अमरबेल। हमने परजीवी पोषण में देखा कि जो जीव है वो अपने पोषण के जो है दूसरे जीवों से ही प्राप्त करता है, पचा हुआ भोजन है ना वो अवशोषित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमरबेल। तीसरा है एंजाइम जो लार में पाया जाता है। चार विकल्प दिए गए हैं पेप्सिन, म्यूकस, एमाइलेज और पित्तरस। इसका सही उत्तर होगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है जो एमाइलेज एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। चौथा है सही उत्तर होगा एमाइलेज। चौथा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। विकल्प दिए हैं आमाशय, मुखगुहा, शूद्रांत्र और वृहदांत। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है वो कौन सा है? शूद्रांत्र। तो सही उत्तर होगा शूद्रांत्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है खाली स्थान सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है विषाणु, क्योंकि सजीव और निर्जीव विषाणु जो है इनमें आणविक गति नहीं पाई जाती जब तक कि इन्हें कोई दूसरी कोशिका को ये संक्रमित नहीं करते तब तक। तो जो सजीव है उनमें श्वसन, पोषण, परिवहन ये सभी पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाए जाते, पर विषाणु जो है इनमें जो गति वो नहीं पाई जाती। तो ऐसा लगता है कि यह निर्जीव है, पर कुछ ऐसे इनमें प्रक्रम है जिनके कारण ये सजीव, अतः इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। दूसरा है सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। जीव के लिए जो आवश्यक हैं प्रक्रम वो क्या कहलाते हैं? सभी एक साथ मिलकर जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाते हैं, अतः वे खालिस्थान कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अपना भोजन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो खालिस्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं, है ना। अगला है हरे पौधे सौर ऊर्जा को खालिस्थान में बदलते हैं। तो हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को वे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको यह पोषण का जो विषय वस्तु है वह समझ में आई होगी। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें और इनकी पुनरावृत्ति करते रहें और आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।